रुपए किलो हो गया यानी। ठीक है, जब ये दोनों पॉइंट लग जाए तो माउस का बटन कोई नहीं दबाना है, इस माउस को मूव कराना है उसकी शेप के मुताबिक, जहाँ लगे शेप ठीक है वहाँ जाके इसको क्लिक कर देना। ठीक है, अब शेप ठीक कैसे, मतलब कि इसका कैसे हम अंदाजा करेंगे, ये लाइन चल रही है ना इसी के साथ पैरेलल बिल्कुल होनी चाहिए, आगे जाके मूव करेगी तो वो भी उसके साथ में 90 के एंगल पे आ जानी, यानी कि ऐसा नहीं कि ऊपर से घूम के आ रही है या टेढ़ी है, 90 के एंगल में आनी चाहिए। ठीक, अगर कहीं से फील हो रहा हो थोड़ा बहुत क्लिक करने के बाद तो स्मूथ की कमांड लगानी, लाइन ज़रा स्मूथ हो जाएगी, जो भी अन ईवन है वो ईवन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कमांड लगेगी हमारी वही जो हम कमांडे पहले इस्तेमाल करें, कॉपी ऑफसेट -3 स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, ढाई भी कर सकते हैं वो, समटाइम ये होता है कि तुम्हारी फ्लाई में अगर वो जाती जा रही तो उसको तुम ढाई कर लो, दो तक आ सकती है मिनिमम है, लेकिन स्टैंडर्ड 3 है। -3 ये 5.5 मैक्सिमम 6, 5.5 5 तक रख सकते हो, इससे नीचे नहीं आना वो वरना वर फेसिंग तुम्हारी ओपन होनी शुरू हो जाती। वही शिफ्ट 1 की कमांड लगा के इसको टच करा देना साथ में तो तुम्हारी ये सारी, अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखोगे ना तुम्हें फील होगा कि जैसे यार ये स्मूथ नहीं है, जहाँ भी लाइन हो, क्योंकि स्पेशल जो है ना शेपों पे लाजमी ख्याल रखना, शेपें अच्छी होनी चाहिए पैटर्न की। ठीक है, फिर ये कमांड जो अभी हमने वहाँ पर इस्तेमाल की थी 2 पॉइंट लाइन, यहाँ से 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर